हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं RRB NTPC के फेज वन के जो एग्जाम चल रहे हैं फ्रेंड्स, उसमें कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने के अनुमान है। वैसे तो आपका चार जितने भी फेज हो रहे हैं सबके एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक साथ निकलेंगे, लेकिन तब भी मैं आपको सेफ स्कोर बताऊंगा और जिनका भी आगे एग्जाम आने वाला है वो कितना टारगेट लेके चले वो मैं बताऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं रेलवे के NTPC के फेज वन के एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने रहने के अनुमान है, सब बातों पर ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टोटल फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। तो अगर बात करें टोटल फॉर्म फिलअप का, तो देखिए 2019 में ये जो वैकेंसी है 2019 की है, जो कि अभी 2021 में इसका एग्जाम चल रहा है, 1.4 करोड़ बच्चों ने क्या किया था, फॉर्म को फिलअप किया। अगर 2015 में बात करें तो 92 लाख बच्चों ने क्या किया, फॉर्म फिलअप किया है। अगर इस बात को देखा जाए ना, तो इस कारण क्या हो सकता है, कट ऑफ जो है इस बेसिस पे आपका क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि आपका ज्यादा बच्चे फॉर्म को क्या कर रहे हैं, फिलअप कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा, ज्यादा कॉम्पिटिशन है। टोटल वैकेंसी का अगर बात करें तो देखिए पिछले बार 18,252 वैकेंसी था और इस बार कितना है, 35,208 वैकेंसी है। इस बात को देखा जाएगा तो आपका इसमें क्या होगा, डिक्रीज होने का चांस रहेगा, क्योंकि आपका वैकेंसी जब इंक्रीज होगा तो आपका कट ऑफ जो है डिक्रीज होगा। अगर देखा जाए 2019 में 2015 में कंपटीशन कितना था, एक वैकेंसी के लिए 504 बच्चे फाइट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो एक वैकेंसी के लिए 400 बच्चे फाइट कर रहे हैं। इस कारण भी देखा जाए तो डिक्रीज होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग अगर एग्जाम डेट का अगर बात करें, देखिए फ्रेंड्स एग्जाम जो है NTPC का ना 28 दिसंबर 2020 से मार्च 2021 तक चलेगा। फर्स्ट फेज का एग्जाम जो है 28 दिसंबर 2020 से 13 जनवरी 2021 तक चल रहा है और जो सेकंड फेज का एग्जाम स्टार्ट होगा 16 जनवरी से स्टार्ट होगा। एग्जाम लेवल का अगर बात करें फ्रेंड्स, तो एग्जाम लेवल पे भी डिपेंड करता है आपका कट ऑफ। एग्जाम लेवल जो था इजी टू मॉडरेट, आप कह सकते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। मैथ्स का अगर बात किया जाए ना फ्रेंड्स, तो मैथ्स में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में। जैसे कि आपने सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखा होगा, तो अगर आप 25 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो 28 प्लस अटेम्प्ट कर रहे हैं, चले मिनिमम हम लोग 25 प्लस लेके चलते हैं तो गुड अटेम्प्ट कहलाएगा। रीजनिंग में भी अगर आप 25 टू 26 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गुड अटेम्प्ट कहलाएगा और GA में भी 25 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो गुड अटेम्प्ट कहलाएगा। कुल मिला के आपके 75 प्लस मार्क्स अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस रहेगा, ठीक है। एवरेज अटेम्प्ट का अगर बात किया जाए तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल ने सर्वे किया था जिस आधार पर पता लगाया कि एवरेज जो बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं 60 से 80 नंबर के बीच में अटेम्प्ट कर रहे हैं, और हम लोग सेंटर पर भी जाके एनालिसिस किए हैं, जिसपे बहुत सारे बच्चों ने कहा है 60 सर हमने अटेम्प्ट किया, 62 अटेम्प्ट किया है, और कुछ बच्चे ये भी कहें कि 85 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं। तो जो भी 85 प्लस अटेम्प्ट करे, या तो उसका ईजी शिफ्ट है या बच्चे ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी अटेम्प्ट किया है, और बहुत कोई तो सही भी अटेम्प्ट करके आए हैं, उनका नहीं कहूंगा। और इसमें एक चीज़ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर शिफ्ट जो है आपका ईजी हो रहा है तो आपका क्या होगा, इजी हो रहा है तो आपका जो है नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर जो है इंक्रीज नहीं करेगा। अगर शिफ्ट हार्ड है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, आपको 10 से 12 नंबर, उससे भी ज़्यादा, यहाँ तक पिछले बार तो 30-30 नंबर तक बढ़ाया हार्ड शिफ्ट वाले बच्चों का। तो ये बहुत बड़ा मैटर करता है। एक बच्चा का मैंने सुना था कि 54 बस रॉ मार्क्स था और उनका क्या हुआ ना, प्लस 25 ऐड हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स 79 आ गया उनका, अभी सिलेक्शन हो गया, वो ज्वाइन किए हुए हैं एज ए स्टेशन मास्टर। तो फ्रेंड्स ये भी बात ध्यान में रखते हुए हम बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन पे भी डिपेंड करता है आपका कट ऑफ, डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कट ऑफ के कितने रहने के अनुमान है फ्रेंड्स। अगर कट ऑफ का बात करें ना, इस बार कट ऑफ कितना जाएगा, रॉ मार्क्स मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं, आपको लगता है कि इतने नंबर आपके आ जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर बढ़ेगा। अनरिजर्व कैटेगरी का बात करें तो 70 प्लस अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ हैं, बिल्कुल सेफ हैं। ओबीसी का बात करें तो ओबीसी में अगर आपके नंबर 68 प्लस आ जाएंगे ना, तो आपका होने का चांस रहेगा। एससी में 65 प्लस और एसटी का अगर बात करें तो 60 प्लस नंबर आएंगे, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस है। जिनका भी सेकेंड फेज में एग्जाम है या होने वाला है फ्रेंड्स, आप टारगेट रखिए कि आपको कम से कम 75 प्लस तो आपको किसी तरह भी अटेम्प्ट करके आना है, और सही सही अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है, विद 90% एक्यूरेसी आपको अटेम्प्ट करके आना है, तो आपका सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।